हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोटी पिज्जा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके घर में रोटी ज़्यादा बच गई हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो इस तरीके से पिज्जा बना के खा सकते हैं। मेरी छोटी सिस्टर को जब भी कोई सब्जी पसंद नहीं आती तो वो इस तरीके से पिज्ज़ा बना के खा लेती है। तो आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी, उसे नहीं खाना था तो वो ये पिज्ज़ा बना रही थी, इसलिए मैंने ये सूट कर लिया। इसे बनाने के लिए आपको तवा रखना है, गरम करना है, उस पर रोटी रखना है, रोटी को घी से फ्राई करना है। दोनों साइड से रोटी को हल्का हल्का सा फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब रोटी के ऊपर हमको लगाना है सॉस। मेरे पास यहाँ सेजवान सॉस है तो मैं सेजवान सॉस लगा रही हूँ। आप चाहे तो टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। इसे रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद हम इसमें चीज़ रखेंगे। तो ये मेरे पास स्लाइस वाली चीज़ थी तो उसके पीस करके रखे हैं हमने। और यहाँ पर हमें कुछ वेजीज ले लेनी है। हालांकि यहाँ शिमला मिर्च नहीं है लेकिन मैंने शिमला मिर्च भी डाली है। तो बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसके ऊपर, बारीक कटा हुआ कुकुम्बर डाल देंगे, मीन्स खीरा ककड़ी, और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न हो तो स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम कुछ मसाले, जैसे थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दें, चिली फ्लेक्स हो तो चिली फ्लेक्स डाल दें, ना हो चिली फ्लेक्स तो लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, काली मिर्च कुटी हुई डाल दें, चाट मसाला डाल दें। और ये शिमला मिर्च मैं पहले भूल गई थी लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास शिमला मिर्च रखी है तो मैंने वो भी डाल दी। इसे कवर कर देंगे, सिर्फ कुछ मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। उसके बाद हमारा जो पिज्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगता है। इसे बीच में से फोल्ड करके टाकोस बना के खाए, बहुत टेस्टी लगेगा।